हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसे पॉइंट के बारे में जानकारी लेने वाले कि जिनको अगर आप नियमित दबाते हो तो शरीर में कोई भी जगह पर अगर आपको दर्द हो रहा है उसमें आप रिलीफ ले सकते हो। इनके अलावा कोई भी बीमारी में आप इंटरनल हीलिंग कराकर रिकवरी को बहुत ही ज़्यादा तेज बना सकते हो। इनके साथ शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करके हमेशा के लिए तंदुरुस्त रह सकते हो। तो यहां पर हमारा जो पॉइंट है वह ईयर एक्यूप्रेशर का एक सिंगल पॉइंट है। तो आज हम इस वीडियो में यह पॉइंट के बारे में विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं, किस तरीके से यह पॉइंट को लोकेट करना है, इनको दबाना है, क्या क्या फायदे यह पॉइंट हमें दे सकता है, सब कुछ पूरी डिटेल में जानने वाले हैं। तो यहां पर हमारा जो यह ईयर एक्यूप्रेशर पॉइंट है, यह पॉइंट को सभी बीमारियों का मास्टर पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इनको अगर आप नियमित दबाते हो तो कोई भी बीमारी में आप इंटरनल हीलिंग कराकर रिकवरी को बहुत ही ज्यादा तेज बना सकते हो। इनके साथ यह पॉइंट को बेस्ट रिलैक्सेशन पॉइंट भी माना जाता है, क्योंकि इनको नियमित दबाने से हमारा शारीरिक तनाव तो दूर होता ही है, इनके अलावा हमें बहुत ही ज्यादा मानसिक शांति मिलती है। जैसे आप मेडिटेशन करके खड़े होते हो वैसी ही शांति यह पॉइंट को दबाने से मिलती है। यह पॉइंट को बेस्ट स्ट्रेस रिलीविंग पॉइंट भी माना जाता है, क्योंकि इनको नियमित दबाने से हमारा शारीरिक और मानसिक तनाव दूर होता है। इसीलिए किसी भी तरीके का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनिंद्रा और एडिक्शन, जैसे कि टोबैको और जो अल्कोहल का एडिक्शन होता है, इसमें भी आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। यह पॉइंट को बेस्ट डिटॉक्स पॉइंट भी माना जाता है, क्योंकि इनको नियमित दबाने से हमारे जो सभी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं इनका डिटॉक्स होता है, इनका फंक्शन इंप्रूव होता है, इसीलिए हम हमेशा के लिए तंदुरुस्त बने रहते हैं। इनके अलावा यह पॉइंट को बेस्ट पेन रिलीविंग पॉइंट भी माना जाता है, क्योंकि इनको नियमित दबाने से शरीर के सभी मसल का जो टेंशन होता है वह दूर होता है, जोड़ों के अंदर जो वेर एंड टेयर होता है इनका रिपेयरिंग काम भी शुरू हो जाता है। इसीलिए सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द, मस्कुलर पेन, जॉइंट आर्थराइटिस, फाइब्रो माइलजिया, इनमें आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। तो इतने सारे बेनिफिट्स आप यह सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा के ले सकते हो। तो यह पॉइंट है हमारा ईयर एक्यूप्रेशर का सैनमैन पॉइंट। सैनमैन यानी कि स्पिरिट गेट, यानी कि हमारा जो आत्मा, जो इमोशंस होते हैं वहां तक पहुंचाने वाला एक दरवाजा। तो इनको नियमित दबा के आप यह दरवाजे को खोल के आप अपने आत्मा के साथ जुड़ सकते हो। तो यह पॉइंट को लोकेट कैसे करना है, यह पॉइंट को लोकेट करना काफी आसान है। हमारा जो ईयर होता है, ईयर की ऊपर की साइड पर इस तरीके से एक ट्रायंगल एरिया होता है। यह ट्रायंगल एरिया का जो बाहर की साइड का कोण होता है, यह कोण से थोड़ा सा अंदर यहां पर हमारा यह पॉइंट हमें मिलता है। इसी तरीके से दूसरे कान पर भी हमें यह पॉइंट मिलता है। कान की ऊपर की साइड पर इस तरीके से एक ट्रायंगल एरिया होता है, इनका बाहर की साइड का जो कोण होता है यह कोण से थोड़ा सा अंदर इस जगह पर हमारा यह पॉइंट मिलता है। तो इस तरीके से दोनों ईयर पर हमें यह पॉइंट को लोकेट कर लेना है, इनके बाद इनको हमें दबाना है। तो यहां पर हमें दोनों इंडेक्स फिंगर की जो टिप होती है इनको दोनों पॉइंट पर इस तरीके से रख देना है, इनके बाद इनको हल्के से दबाना है, 2 मिनट के लिए दबा के रखना है, या फिर आप इस तरीके से कॉटन ईयरबड का भी इस्तेमाल करके यह पॉइंट को दबा सकते हो। पॉइंट के ऊपर इनको हमें रख देना है, हल्के से दबाना है, 2 मिनट के लिए दबा के रखना है। जब भी आप यह पॉइंट को दबाते हो उस वक्त आंखें बंद कर देनी है, फिर हमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। इस तरीके से हमें 2 मिनट के लिए यह पॉइंट को दबाना है। तो यह पॉइंट को आप दिन में कभी भी दबा सकते हो, पर खास करके जब भी आप कोई सारवार शुरू करते हो, जैसे कि एक्यूप्रेशर थेरापी शुरू करते हो, एक्सरसाइज शुरू करते हो या फिर कोई दूसरी सारवार शुरू करते हो, इनसे पहले आप यह पॉइंट को दबा लेते हो तो जो सारवार होती है इनकी इफेक्ट को आप काफी ज्यादा फास्ट बना सकते हो। तो आज से यह पॉइंट को दबाना शुरू कर दीजिए। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए, और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।